सेल्फ में हम आपको सलाम, आदाब और नमस्ते करते हैं। आज अंतर मन के लिए खत आया है, चलिए हम देखते हैं। ए मन, तेरे लिए आज है चिट्ठी। ए मन, तेरे लिए आज है चिट्ठी, तू न लेता कभी सोच विचारों की छुट्टी। तेरी बातें हैं बड़ी खट्टी मिट्टी। ए मन, तेरे लिए आज है चिट्ठी, संकल्पों से चलती समस्त सृष्टि। जीवन हर कदम पर है एक नई कसौटी, चल बढ़ा ले तू अपनी दृढ़ता की शक्ति। चल बढ़ा ले तू अपनी दृढ़ता की शक्ति। ए मन, तेरे लिए आज है एक चिट्ठी। दृढ़ता से हम नित सफलता प्राप्त कर सकते हैं, दृढ़ता हमारे मनोबल को बढ़ाता है। चलिए हम इस विषय को सुनेंगे। हमारे सामने आ रही है मीरा रोड से ब्रह्मा कुमारी हेमा बहन। ओम शांति। हमारी भलाई और महानता इन दिव्य गुणों की धारणा में ही है, परंतु दिव्य गुण अनेक है और उनकी धारणाएं जहाँ तक हमें पहुँचना है वह भी उच्च है। हर गुण अपने आप में महत्वपूर्ण है, पर हम ये नहीं कह सकते कि इस गुण को धारण किया जा सकता है और ये गुण को छोड़ा जा सकता है। परंतु अनुभव सिद्ध बात यह है कि दृढ़ता के बिना अन्य दिव्य गुण धारण करना हमारे जीवन में असंभव है। जिस मनुष्य का मनोबल कम हो और संकल्पों में दृढ़ता कम हो तो कितना भी बड़ा महान कार्य हो वह दृढ़तापूर्वक नहीं कर सकता। वह आज अपनी अच्छाई को धारण करता है तो कल उसको छोड़ देता है। वह सुबह कोई प्रतिज्ञा करता है तो शाम तक उसे भंग कर देता है। उसमें अच्छा बनने की इच्छा तो होती है, परंतु उसमें पूर्ण करने की शक्ति उसमें नहीं होती, तो वह शक्ति आएगी कहाँ से? तो वह शक्ति दृढ़ता एवं मनोबल से प्राप्त हो सकती है। दूसरी बात यह है कि जब कोई मनुष्य प्रतिज्ञा करता है तो उसको वह निभा नहीं पाता, उसका मन और ही दुखी ही नहीं बल्कि आगे के लिए उसके संकल्पों में दृढ़ता भी नहीं रहती, उसके वृत्ति में निराशा ही बनी रहती है। इसके बजाय यदि थोड़ा समय अपने दूषित इच्छाओं का तीव्र वेग से दृढ़तापूर्वक सामना कर ले तो थोड़ी सी सफलता से उसका आत्मविश्वास मनोबल इतना बढ़ेगा जो कठिन से कठिन परिस्थिति का वो सामना कर सकता है। इसके लिए जरूरी है कि उसके सामने जो भी बातें आ रही है वो सफलता की सीढ़ी है। इसको ही अपने जीवन में लाना ही दिव्यता और महानता है। सभी जानते हैं यदि भवन की नींव मजबूत न हो तो भवन टिक नहीं सकता। ठीक इसी तरह से मनुष्य के संकल्पों में अगर दृढ़ता न हो तो उसका पुरुषार्थ सदाकाल नहीं रह सकता। संसार में ऐसे दृढ़ विचार वाले व्यक्ति ने ही अच्छे कर्तव्य किए हैं। ऐसे संसार में दृढ़ विचार वाले व्यक्ति अगर न होते तो वैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक और अन्य क्षेत्रों में जितनी प्रगति हुई है उतनी प्रगति उपलब्ध नहीं होती। अक्सर करके देखा गया है कि किसी लक्ष्य को पाने के लिए हम उमंग, उत्साह, योजना भरा कार्य शुरू कर देते, परंतु मुश्किलातों रूपी तूफान हमारी हिम्मत और धैर्यता को परास्त कर देते। ऐसे में हिम्मत और धैर्यता के प्रति दृढ़ता का अभाव होने के कारण हम लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते। आशाएं एकांगी सच तो नहीं है, परंतु उसमें दृढ़ता संपन्न अभ्यास और प्रभु प्रेम भरा विश्वास अगर सम्मिलित किया जाए तो सफलता अवश्य हमें मिलती है। इस जगत में प्रत्येक व्यक्ति एवं वस्तु अतुलनीय है।
इसकी तुलना हम किसी के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि सृष्टि रंगमंच है, इसमें सभी का अपना अपना पार्ट है। यह छोटा है या बड़ा है, यही दृष्टिकोण रखना अयथार्थ है। अपनी इच्छा और स्वप्न में मनुष्य को प्रतिपल यही विश्वास पैदा करते रहना चाहिए कि हम लक्ष्य में जरूर कामयाब होंगे। कहते हैं, जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। अपनी इस दृढ़ निश्चय के साथ कि हम कमजोर हैं, पर कोई बात नहीं, क्योंकि परमात्मा हमारा साथी है, सर्वशक्तिवान परमात्मा हमारा साथ है। सच की नैया हिलेगी डोलेगी, लेकिन डूब नहीं सकती, ये तो निश्चित है। जहाँ निश्चय है वहाँ विजय हमारा साथ है। यदि नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का आधार दृढ़ता रूपी चट्टान पर स्थापित किया जाए तो समृद्ध जीवन की बुलंदियाँ आसमान को छूने लगेगी। लक्ष्य के प्रति दृढ़ निश्चय, आत्मविश्वास, प्रसन्नता, सकारात्मक सोच और प्राप्तियों में प्रयत्नशील, यही सफलता का राजमार्ग है। कार्य को पूरा करने में बाधाएं तो आती है, परंतु सफलता हमारी उमंग उत्साह को कम कर देते हैं। हमारा उमंग उत्साह सदा बढ़ा रहे, इसके लिए जरूरी है दृढ़ता। वो दृढ़ता वो शक्ति है जिसे हम जो चाहे वो कर पाना संभव हो जाता है। दृढ़ता ही सफलता की चाबी है। दृढ़ता वो शक्ति है जो मन में स्पष्टता, बुद्धि में शुद्धता और व्यक्तित्व में सरलता लाती है। मन हमारा शुद्ध हो तो सकारात्मक हम सोचते हैं, बुद्धि सही निर्णय लेने में मदद करती है, और हमारे व्यक्तित्व में सरलता हो तो हमारे संबंधों में सुमधुर लाती है। इम्पॉसिबल शब्द अपने आप में कहता है आई एम पॉसिबल, लेकिन हमारे अंदर बहुत सारी शक्तियां हृदय में रहती हैं। जब कोई असंभव बात हम हाथ में उठा लेते हैं तो हमारे अंदर वो शक्ति प्रयोग में आती है। इससे संबंधित एक कहानी है। एक बूढ़ी माता थी, वो दिन रात खटिया पर ही पड़ी रहती थी। एक दिन उनके घर में आग लग गई तो सारे सदस्य घर से बाहर निकल पड़े। अब बूढ़ी को कौन देखेगा? तो पता है उसने क्या किया? 3 फुट की दीवार थी, वो छलांग लगाकर वो भी भाग पड़ी। अब ये कैसे हुआ? जरूर उसमें जो शक्ति थी वो शक्ति प्रयोग होने का अवसर तब ही मिला। इब्राहिम लिंकन के बारे में आपने सुना है, पढ़ा है कि कैसे गरीब परिवार में उनका जन्म हुआ, लेकिन दृढ़ता के बल पर अमेरिका के राष्ट्रपति बने। ऐसे महान राष्ट्रपति जिनका आज भी इतिहास में बड़ी श्रद्धा से नाम लिया जाता है। इसी प्रकार भारत के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम जी का जन्म एक गरीब मछुआरे परिवार में हुआ। 14 वर्ष की आयु में पेपर बेचकर अपने पढ़ाई का खर्चा निकाला करते थे। उनकी बहन ने अपने गहने बेचकर उनको पढ़ाया, आगे बढ़ाया, यही तो दृढ़ता थी। सचमुच हम जो चाहे वो जीवन में बन सकते हैं। सिर्फ हताशा, निराशा, कमजोरी के संकल्प को कभी जीवन में आने न दो। जैसे दृढ़ता के महत्व को हमने कहानियों के द्वारा, एग्जाम्पल्स के द्वारा हमने समझा, आज हम सभी भी ये चेक करें कि मेरा कौन सा कार्य अभी भी दृढ़ता की कमी के कारण रुका हुआ है, या आज भी मेरा कौन सा संस्कार दृढ़ता की कमी के कारण परिवर्तित नहीं हुआ है। परमात्मा का एक समर्थ महावाक्य है, हिम्मत ते मर्दा तो मदद ए खुदा, और ये सच है। दृढ़ता की शक्ति से जो हमारे हर कार्य में सफल अवश्य कराती है। चाहे हम पढ़ाई में सफल होना चाहते हैं, चाहे हम बिजनेस में सफल होना चाहते हैं, चाहे हम परिवार के संबंधों में सफलता चाहते हैं, तो दृढ़ता को अपनाइए।
किसी ने सच ही तो कहा है, लक्ष्य तक पहुंचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा, लक्ष्य तक पहुंचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा, हार जाए मार्ग में तो पथिक उसका नाम कैसा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। मैं सफलतामूर्त आत्मा हूँ। सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। मेरी हर सोच, मेरा हर बोल, मेरा हर कर्म सफलता दिलाने वाला है। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। मेरा मन स्थिर है, शांत है, एकाग्र है। मैं परिस्थिति से प्रभावित होने वाली नहीं हूँ। मैं परिस्थिति को प्रभावित करने वाली शक्ति हूँ। मैं निर्भय हूँ, मैं निडर हूँ, मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। परमात्मा की शक्तियाँ मेरे चारों तरफ कवच है। मैं सुरक्षित हूँ, परमात्मा की शक्ति, परमात्मा का प्यार मेरे हर कार्य को सफलता दिलाने वाला है। मेरे सामने जो भी परिस्थिति आ रही है दृढ़ता से मैं उस पर विजय पा रही हूँ। मेरे जीवन में महानता तथा दिव्य गुणों का विकास होता जा रहा है। परमात्मा की शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही है। मैं आत्मा समर्थ बनती जा रही हूँ। मैं निश्चिंत हूँ, मैं निडर हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ। मेरा परिवार, मेरा देश सुरक्षित है।
दृढ़ता ही सफलता की चाबी है। ओम शांति। हेमा बहन ने आज कितना ब्यूटीफुल अभ्यास कराया और हमें संकल्प दिए कि मैं निश्चिंत हूँ, निडर हूँ, शक्तिशाली आत्मा हूँ। ऐसा ही अभ्यास अगर हम रोज करते रहे तो हम अपने मनोबल को बढ़ा सकते हैं। और बहन ने हमें बताया कि बहुत सारी शक्ति हमारे अंदर रिजर्व में है, बस हमें चाहिए कि नित्य हम उसका उपयोग करें। दृढ़ता संपन्न अभ्यास और प्रभु प्रेम का विश्वास हो तो हम जीवन में हर कदम पर सफल हो सकते हैं, और यही राजमार्ग है। इसलिए कहा जाता है, कोशिश तो कीजिए एक बार, कोशिश तो कीजिए एक बार, दृढ़ता अगर होगी तो आप सफल होंगे हर बार। नहीं जाएगी आपकी मेहनत बेकार, नहीं जाएगी आपकी मेहनत बेकार, सफलता को है बस आपके परिश्रम का इंतजार। बस आप कोशिश करते रहिए लगातार। तो आज हमने ये बातें सुनी। हमारा कल का विषय है तनाव मुक्त जीवन। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ रिचार्ज योरसेल्फ में। ओम शांति।